नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिकाय। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। खबर यूपी के अमरोहा से है। चकबंदी अधिकारी की लापरवाही से नाराज होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा परिवार। बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा थाना हसनपुर क्षेत्र के गांव शाहपुर कला का है, जहां भागेश्वर बालाजी हिंदू धर्म मानव कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष कुंवर पाल राणा ने चकबंदी अधिकारी पर बटा संशोधन की कार्यवाही में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट ग्राम पंचायत शाहपुर कला में भागेश्वर बालाजी हिंदू धर्म मानव कल्याण समिति की जमीन रजिस्टर्ड है, जिसमें चकबंदी अधिकारी डीडीसी ने बटा संशोधन करने की कार्यवाही में लापरवाही कर रहे हैं, जिससे प्रताड़ित होने के बाद ट्रस्ट के सभी सदस्य अमरोहा जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया। उनका कहना है कि जब तक आदेश जारी नहीं होगा तब तक वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। कुंवर पाल राणा है और गांव शाहपुकला तहसील हसनपुर का मैं रहने वाला हूं। धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना है। धरने का उद्देश्य है डीडीसी महोदय के यहाँ एक मुजाहिद नाम के व्यक्ति ने निगरानी की हुई है, उस निगरानी को जो डीडीसी महोदय खारिज करें, जो सही बात है, और मेरा आर्डर का जो है अनुपालन करा। डीएम साहब अभी नहीं मिले हैं। डीएम साहब से मैं तहसील दिवस में हसनपुर 20 जनवरी को मिला था। डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया था कि डीडीसी साहब के मिलने के तुरंत बाद ही जो है ये समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि मैं शनिवार में भी डीडीसी साहब से मिला, आज भी मैं गया था, डीडीसी साहब सुन नहीं रहा का काम है, उसमें भी टाला मटोल की जा रही है। जब तक समस्या का समाधान नहीं तब तक धरना जारी है। साहब नहीं मिले हैं, उनके और अधीनस्थ मिले हैं, वो उनसे वार्ता कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाली हो? कला साहिबपुर। बताइए सर, ये मंदिर की उसमें अर्जेंट लगा रहे हैं चकारियों के द्वारा, इसका समाधान करवाएं। जब लो मसला हल ना होने का जब लो चलेगा वो तो नहीं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।